भविष्य मालिका के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ चौकड़ा मुड़ाण के पेज नंबर 101 में कुछ ऐसा लिखा है जिसको सुनने के बाद अनेकों जन चिंतित हो जाएंगे। घाटी का नाम जोबोरा, चोर होंगे जमा, गला उनका सूख जाएगा, झूठे मक्कार सन्यासियों का हसी तब अवश्य गायब हो जाएगा, गांजा फूक कर पागल बनाकर बहुत से शिष्य बनाए होंगे, नाम का तत्व ना समझकर अपने मन से नाम बताएंगे, झूठ के आधार पर सरल लोगों को अपने जाल में फंसाते जाएंगे, इन सब का संघार जोबोरा घाटी में होगा, सच्चे भक्त तब बच जाएंगे। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। आज इंटरनेट पर लाखों की संख्या में ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें एक व्यक्ति साधु सन्यासी के वेश में तिलक चंदन लगाकर एक सुसज्जित मंच पर बैठकर धर्म एवं अध्यात्म का चर्चा कर रहा होगा और भोले भाले लोग उसका जय जयकार कर रहे होंगे, इससे अनजान कि सत्य ठीक इसके विपरीत है। एक कथावाचक एक सभा करने के लिए मिनिमम 50,000 रुपए लेता है। इन पैसों के अलावा बगल में बड़े बड़े कूलर लगे होते हैं, पीने के लिए ठंडे ठंडे मिनरल वाटर रखे होंगे, सभा स्थल पर आने के लिए प्लेन का टिकट एवं लाखों रुपयों का गाड़ी खड़ा होता है और उनके सुरक्षा में हजारों सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं जिनका सैलरी देश के टैक्स पेयर्स के पॉकेट से जाता है। वहीं उस कथा वाचक को सुनने वाले लोग टूटे चप्पलों में, फटे कमीज में, कुछ बस में और कुछ पैदल चलकर आए होंगे जिनको तीन वक्त का रोटी भी नसीब नहीं होता होगा। और ऐसे लोग उस सभा में इस आस में आते हैं या वीडियोस के माध्यम से उन बाबाओं को सुनते हैं कि कहीं कोई चमत्कार हो जाए जिसके माध्यम से उनका जीवन सही हो जाए। पर चमत्कार तो छोड़िए, इनमें से 99% बहुत ही सातिर चोर होते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि 600 वर्ष पुराने भविष्य मालिका के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ चौकड़ा मुड़ाण के पेज नंबर 101 में लिखे तथ्य कह रहे हैं। संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि गुरु भक्ति जहाँ हृदय रे नहीं जनमोटी अकारण, सुखिला काठरु पानी की बाहरे एकथा सत्य प्रमाण, नई रे हजई पोखरी रे खोजिले धन की केबे मिलोई, दुर्लभ जनम हेबो अकारण गुरु न सेबिले तुही। अर्थ जिसके हृदय में गुरु भक्ति नहीं होगा उसका जीवन होगा मूल्यहीन, सूखे लकड़ी से पानी नहीं निकलता वैसे ही मेरा वाणी नहीं है तथ्यहीन, नदी में खोकर तालाब में ढूंढने से धन नहीं मिल सकता, गुरु का सेवा ना करने से ये जीवन धन्य नहीं हो सकता। इस अमृत समान वाणी में गुरु के महत्व का वर्णना किया गया है। गुरु यानी वो जो हमें जीना सिखाता है, जो हमें हमारे कर्म, हमारे धर्म, हमारे दायित्व का ज्ञान देता है और जो हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। श्री राम जी के भी गुरु थे, श्री कृष्ण जी के भी गुरु थे, रुद्र यानी महादेव जी के भी गुरु थे और इसी कारण यदि कोई मनुष्य गुरुहीन है तो उसका जीवन मूल्यहीन कहलाता है। परंतु प्रश्न है कि ये गुरु आखिर है कौन? असली गुरु वो है जिनसे ये सृष्टि आरंभ हुआ है, असली गुरु वो है जिनसे पेड़ पौधे जानवर पक्षी कीट पतंग असुर दैत्य मनुष्य देवता यहाँ तक कि स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं एवं उस गुरु को सनातन के वेदों में परम ब्रह्म कहा गया है यानी संसार का आत्मा। संपूर्ण ब्रह्मांड के इतिहास में पहली बार वर्तमान के कलयुग में वही परम ब्रह्म अपने असली रूप में जीवित अवस्था में इस मर्त्य लोक पर अवतरित होकर आए हैं मनुष्यों को गुरु दीक्षा देने के लिए, जिनको सारा जगत जगन्नाथ कहता है और ग्रंथ में इसी गुरुदेव के विषय में कहा गया है। अब आगे सुनिए। तेणु करी राम गुरु सेवा कर बारण लीला देखिबू, कर्म करिथिले जोबोरा घाटरु उद्धार तुही पाइबु, घाटी जे जोबोरा चोरो हेबे धरा तंटी अठा हेब पुण, गालुआ मालुआ ठक सन्यासिंक हस उड़ी जीव पुण। अर्थ इसीलिए हे राम, गुरु सेवा करने पर अंत के लीला को देख पाओगे, कर्म करने वाले मनुष्य जोबोरा घाट से अवश्य उद्धार हो जाएंगे, घाटी का नाम जोबोरा, चोर होंगे जमा, गला उनका सूख जाएगा, झूठे मक्कार सन्यासियों का हसी तब अवश्य गायब हो जाएगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार यदि हम गुरु के महत्व को यानी परम ब्रह्म के तत्व को सही से समझ जाएंगे तो इस युग परिवर्तन के लीला को अपने आँखों से अवश्य देख पाएंगे।
परंतु जो व्यक्ति इस तत्व ज्ञान को नहीं समझेगा उसका अंतिम विचार जोबरा घाट पर होगा, जहां पर सभी झूठे मक्कार पाखंडी एवं ढोंगी पकड़े जाएंगे अपने समर्थकों के साथ। ग्रंथ में जो आगे कहा गया है उसको सुनने के बाद अनेकों लोग सोच में पड़ जाएंगे एवं अनेकों लोग चिंतित हो जाएंगे। गुरुदेव ने कहा था कि अरुआ खाइण बोलंती बाबाजी उई उंका पूजुछंती, गंजई खाइण पागल होइण अनेक शिष्य करंती, नाम न जाणिन अनाम कहंती, क्रिया कर्म तांको नाही, भांडामी पणरे पेट पोषुछंती, रूप भेकको देखाई। अर्थ अरवा चावल खाने वाले खुद को बाबा बोलेंगे, बम्बी का पूजा करेंगे, गांजा फूक कर पागल बनाकर बहुत से शिष्य बनाए होंगे, नाम का तत्व ना समझकर अपने मन से नाम बताएंगे, झूठ के आधार पर सरल लोगों को अपने जाल में फंसाते जाएंगे। इस भविष्यवाणी में ढोंगियों के दो पहचान बताए गए हैं, वो भी आज से 600 वर्ष पहले। सनातन के शास्त्रों में लिखे नियम अनुसार एक बाबा साधु या सन्यासी को अरवा चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, न ही गांजा जैसे किसी नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए। परंतु आज ये सभी नियम मजाक बन चुके हैं, क्योंकि 99% बाबा साधु सन्यासी केवल अरवा चावल ही नहीं बल्कि नशीले पदार्थों का सेवन भी करते हैं। दूसरा है नाम तत्व यानी हरे राम कृष्ण, जिसको त्रिविज तत्व भी कहा जाता है। प्रत्येक युग में इसी त्रिविज तत्व के आधार पर ही एक महामंत्र प्रकाशित होता है। वर्तमान के कलयुग में भी एक महामंत्र स्वयं जगन्नाथ जी के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा ऑलरेडी प्रकाशित हो चुका है, फिर भी ये ढोंगी पाखंडी उस मंत्र के तत्व को नहीं बताते बल्कि अपने मन से एक नाम बनाकर उसको प्रकाशित करते हैं और भोले भाले लोगों को उसका जाप करने के लिए कहते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? यदि नहीं तो ग्रंथ में आगे जो लिखा है उसको सच होने से कौन रोक सकता है। गुरुदेव ने कहा था कि ए देहरे जेबे गुण रही थी बो भेक दरकार नहीं, गुण को आदर जगत प्रशंसा जस जुग जुग रही, से काठमाळिया भकतंकु मुही जोगनीक मुखरे देवी, शुद्ध मांस गोटी अटोई तांकर पृथ्वी शांत करिबी। अर्थ इस शरीर में जब गुण होगा तो दिखावे का क्या आवश्यकता, गुण का आदर जगत करेगा, युगो युगो तक स्मरण रखा जाएगा, अंत में उन पाखंडियों को योगनियों के हवाले कर दिया जाएगा एवं उनके अंत से ही समग्र पृथ्वी पुनर्वार शांत हो जाएगा। गुरुदेव के अनुसार जिस भी मनुष्य के अंदर पहले से ही अध्यात्म का गुण होगा उसको किसी दिखावे का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समग्र जगत उस व्यक्ति के उस गुण को अपने आप ही पहचान लेगा। परंतु इस कलयुग में ऐसे अनेकों अधर्मी झूठ के बल पर दिखावा करते हैं, जिनका संहार खुद योगिनी गण करेंगी। ये सब वाणी सुनने में अजीब या काल्पनिक लगते होंगे, क्योंकि इस आधुनिक युग में इनको समझने वाले अधिक नहीं है और जो समझ गए उनका गिनती अधर्मियों में नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जिस ब्राह्मण ने प्राण प्रतिष्ठा किया था उनका नाम क्या है? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूंगा। पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि पंच सखाओं में आयु के अनुसार सबसे छोटे कौन थे। सही उत्तर है संत गुरु शिशु अनंत दास। विजेता है निशा अग्रवाल। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने, लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं फॉलो करें ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।